जब यहाँ पर प्रधान सचिव आए थे तब एक ट्रैक्टर बालू गिराया गया और कहा गया कि कार्य प्रगति पे है, जिसमें अभी तक कार्य व्यवस्थित उनको ओझल करने का काम यहाँ पर किया गया। पूछे कि भैया कहाँ पर है उस संवेदक को, उस पर क्यों कार्रवाई हुई, वो भी काम उसी संवेदक ने लिया। यहाँ पर वो संवेदक जो है ना वो केवल वही काम करता है जिनसे उनको खुश करना है। और इस नगर निगम में योजना शाखा प्रभारी, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी, जितने भी शाखा प्रभारी हैं, यदि सभी लोग सारे वार्ड पार्षद पूरे ईमानदारी से यहाँ पर हैं, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हो, नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त हो, कम हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि पूरे विभाग की जितने भी विभाग है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो? आप लोग चाहते हैं कि नहीं? सब सदन चाहता है। और मैं इसीलिए चाहता हूँ इस चीज को कि मेरे पास माननीय नगर आयुक्त साहब का कहना है, जिसमें नगर आयुक्त साहब ने बात कही है कि नगर निगम में कोई भी कार्य नियम संगत तरीके से तो होता नहीं है। हमारे ऊपर नगर कमिश्नर साहब अभी जांच बिठाएंगे जिसमें जो है सारे कर्मचारी फंस जाएंगे, हम तो फंसेंगे नहीं। अगर इनके मुंह से इस तरह की बात निकलती कि कर्मचारी फंस जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी जानते हैं कि आप भ्रष्टाचार लिप्त हैं, ये भी जानते हैं इस बात को इन्होंने कबूला है, तो इसका मतलब ये भी जानते हैं यहाँ गलत हो रहा है। तो हम चाहते हैं पूरे सदन एक मत होकर इस पर ध्यान में लीजिए और सबसे पहले नगर निगम के तमाम शाखा में जांच लिखवाइए। और जो यहाँ पर शाखा प्रभारी सीना ठोक रहे हैं कि मैं एकदम ईमानदार हूँ, मैं एकदम कुछ नहीं किया हूँ, मैं एकदम सही हूँ, तो जांच में सारी चीजें पारदर्शिता के साथ आ जाएगी। और नहीं आएगी तो मैं उप महापौर पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर एक भी चीज गड़बड़ नहीं है तो मैं अभी आपके बोर्ड के सदन के बीच में बात कहता हूँ, कराइए आप जांच पूरे हर एक विभाग की। नहीं कर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इतना घोटाला है नगर निगम में, इतना घोटाला है कि यदि पूरी जांच सही तरीके से होगी तो 50 करोड़ से ऊपर का घोटाला सामने आएगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो काम भी नहीं हो और योजनाओं को घर तक उतार कर दिखा दिए, जिसका काम भी नहीं हो उसका भुगतान हो चुका है। और भी कई ऐसे काम है जिसको किया गया है, यहाँ पर ठेकेदार से कितना वसूला जाता है, कितना क्या किया जाता है। अरे आप बैठते हैं कुर्सी पर, आप ईमानदारी का बोलते हैं कि हम इतने ईमानदार हैं, मेरा सारा कर्मचारी ईमानदार है, आपके कर्मचारी पैसा मांगते हैं, सौ रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुना दूंगा कि जिसमें आपके कर्मचारी नक्शा पास करने का 4-5 लाख रुपए मांगते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे